आज जो मैं करने जा रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास जो हैवीएस्ट पैलेट है वो है राइफल थंडर का 13.43 ग्रेन का पैलेट है। मैं स्लग चलाता नहीं हूँ, बैरल ख़राब हो जाएगा, तो मैं आज थोड़ा फील्ड टारगेट शूट करूँगा, स्पिनर टारगेट्स। तो पहले 13 ग्रेन के पैलेट को जो टारगेट है 22 मीटर पे, अभी फ़िलहाल लगभग सेम लेवल पे है, तो उसे थोड़ा ज़ीरो कर लूँगा। जो स्पिनर टारगेट है वो ज़मीन पे रखे हुए हैं, तो जो पैलेट है वो ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आएगी और उससे ग्रेविटी के कारण पावर बढ़ता है। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कैमरा में कैप्चर करना, और इसको कंपेयर करेंगे HNN के बैराकुडा से जो कि 10 ग्रेन का पैलेट है, तो उसका वेट कम है 13 ग्रेन से, तो आपको शायद स्पिनर टारगेट में दोनों का वेट का डिफरेंस समझ में आए। ये थोड़ा ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। करीब दो डॉट साइट नीचे और एक डॉट साइट राइट लग रहा है। ये लगभग लेवल पे आ गया और मुझे इसको थोड़ा सा और अंदर मूव करना है। चार क्लिक अंदर ट्राई करते हैं। आठ क्लिक किया है, टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ज़ीरो हो गया है। फ्रेंड्स, अब राइफल थंडर से स्पिनर टारगेट्स को मारते हैं। मैंने अभी जस्ट इसको येलो पेंट मारा है ताकि विजिबिलिटी दिखे। तो जैसा कि देख रहे हैं, मुझे ऊपर एम करके मारना पड़ेगा क्योंकि पैलेट ड्रॉप होता है। तो ये इस पॉइंट में एम करेंगे, लेकिन नीचे लग रहा है क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है। कोई भी हैवी पैलेट को भले ज़ीरो ऊपर तक किया, लेकिन हैवी पैलेट को अगर आप सही से नहीं एम करेंगे ये बिल्कुल स्टिल है। अब मैं मार रहा हूँ ऊपर वाले स्पिनर को, नंबर ऑफ उसका वाइब्रेशंस लेफ्ट टू राइट जो ऑसिलेशन है वो आप लोग काउंट करिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये पावर है राइफल थंडर का। सेम चीज़ दूसरे पैलेट से करके देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि वो स्पिनर टारगेट स्वेल क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने पीछे में ईंट लगा रखा है, तो पूरा वो टकराता है ईंट से, पूरा 360 टर्न नहीं मार पा रहा है।
ईंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पीछे में बैकस्टॉप देना जरूरी है, दीवार में छेद हो रहा था। एक 9 ग्रेन का अपोलो है, इससे जीरो करो जल्दी से। लगभग सेंटर आ गया, अब दो चार शॉट ऊपर वाले हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है घड़ी में, यहाँ 12 बज रहे सुई के। घड़ी में यहाँ 3 बज रहा है। फिर 6 और अब 9। तो अपोलो 9 ग्रेन का पैलेट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है डायना में। अब ये 0 हो गया, अब मैं जा रहा हूँ स्पिनर टारगेट पे कैमरा फोकस करने। 9 ग्रेन अपोलो पैलेट से मैगजीन लोड कर लिया, 12 शॉट और 0 कर लिया, बहुत अच्छा 0 हुआ। अब स्पिनर पर मार के देखते हैं। तो पहले जो राइफल थंडर का जो पावर था उससे आप देख रहे थे कि स्पिनर का जो ऊपर वाला रॉड है कितनी बार ऑसिलेट कर रहा था। 1, 2, 3, बस ये 3 बार में स्थिर हो गया और राइफल थंडर से करीब 4 या 5 बार वो ऑसिलेट किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रेविटी प्लस पैलेट के वेट से डिफरेंस। पिछली बार आप देख रहे थे वो स्पिनर का जो प्लेट है ऊपर उठ नहीं रहा था क्योंकि पीछे ईंट था, ईंट को मैंने रीपोजिशन कर दिया है। ये सेल्फ रिसेटिंग टारगेट बोलते हैं। इसको रिसेट करने के लिए ऊपर वाले प्लेट पे मारना होगा। मैंने इसमें फ्रेश पेंट लगाया है ताकि आप लोग को दिख सके कि पैलेट इंपैक्ट कहाँ कर रहा है। अगर पैलेट ऊपर मारेंगे तो उसको मोमेंटम नहीं मिलता है, तो पत्ती ये ऊपर लगा था मोमेंटम नहीं मिला। अब यहाँ अगर नीचे मारेंगे तो उसको इतना मोमेंटम मिलेगा कि ये ऊपर लटक जाएगा ऐसे। 2-4 पैलेट्स और 5-7 और चलाऊंगा, सब वीडियो में नहीं डालूंगा, बोरिंग हो जाएगा सबके लिए, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है। सेंटर 1, 2, 3। ये था आज का शूटिंग, बहुत मजा आया। अब अपोलो कॉन्टेक्ट मेरा फेवरेट पैलेट हो गया।